मतलब उसको अनाउंस किया गया है एंड दिस इज द बिगेस्ट एजुकेशनल रिफॉर्म इन आवर कंट्री. कंट्री में इतना बड़ा एजुकेशन रिफॉर्म किसी ने किया नहीं है. तो पीएम साहब ने बहुत बड़ा रिफॉर्म लेकर आया है एनईपी 2020 के रूप में. उसको अभी सभी राज्यों में बाई 2030 हम सबको इम्प्लीमेंट करना है. सो इम्प्लीमेंटिंग दिस एनईपी इज अ वेरी वेरी डिफिकल्ट जॉब, बहुत चैलेंजिंग है. इसमें डिपार्टमेंट को मैंने डे वन से ही डायरेक्टिव दे के रखा कि हाउ टू रोल आउट द एनईपी बाई इन टोटो बाई 2030. सो डिपार्टमेंट ने ऑलरेडी एक टास्क फोर्स का भी गठन किया. सो उस टास्क फोर्स का रिकमेंडेशन का मुताबिक हमारा जो बजटिंग में भी एजुकेशन क्षेत्र में किस प्रकार से हम लोग बजट प्रोवाइड कर रहा है अकॉर्डिंगली हम लोग उसको इम्प्लीमेंट कर रहा है. मगर इसमें अभी एक चीज तो ये है कि अरुणाचल प्रदेश में स्कूल्स का जो संख्या है, डीसीएम साहब ने जो कहा कि प्री इंडिपेंडेंस अगर हम लोग देखा जाए, सो प्री इंडिपेंडेंस आई थिंक वी जस्ट हैड ओनली 5 प्राइमरी स्कूल्स. अभी का टाइम में वी हैव टच्ड अराउंड 3000 गवर्नमेंट स्कूल्स. ये आंकड़ा सुनने के लिए तो बहुत अच्छा आंकड़ा है. 5 स्कूल से लेके 3000 स्कूल पहुंच गया. मगर हमारा थोड़ा सा एक कंसर्न हमेशा यही रहा, खास करके गवर्नमेंट स्कूल्स में, कि स्कूल्स तो हम लोग ने इतना ज़्यादा बना दिया मगर क्वालिटी एजुकेशन में कमी नहीं होना चाहिए. और फोकस टुवर्ड्स अपलिफ्टमेंट ऑफ एजुकेशन शुड बी ऑन क्वालिटी बेसिस, नॉट ऑन क्वान्टिटी. तो शायद मैं ही ऐसे शायद एक मुख्यमंत्री होगा जो स्कूल बढ़ाने का वजह स्कूल हमने घटाया. इन माय टेन्योर इन लास्ट 7 to 8 इयर्स आई हैव शट डाउन अराउंड 600 or 700 स्कूल्स. अराउंड 0 एनरोलमेंट स्कूल, अराउंड 400 स्कूल शट डाउन कर दिया. और स्कूल को मर्जिंग करते हुए बाकी स्कूल्स को भी हमने शट डाउन कर दिया. क्योंकि गवर्नमेंट का बहुत अच्छा एक पॉलिसी था कि राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन वॉज ए वेरी गुड कॉन्सेप्ट फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. मगर अनफॉर्चुनेटली हम लोगों का राज्य में उसको अच्छा से थिंक टैंक के थ्रू से सोच विचार करके स्कूल को इम्प्लीमेंट नहीं किया. रैम्पेंटली स्कूल इतना खोल दिया कि वहाँ में बच्चों का संख्या नंबर्स कम, टीचर्स का भी नंबर्स कम. तो क्वालिटी एजुकेशन में बड़ा इम्पैक्ट हो गया इससे. तो इसलिए मैंने कहा कि स्कूल खोलना है तो अच्छा स्कूल हम लोग खोलेंगे. जितने भी ये सब स्कूल जो डिफंक होके बैठा हुआ है या जो जिसमें संख्या कम है उसको मर्ज करके आगे बढ़ाना है. तो एक गांव में 3 स्कूल के जगह में अगर आप एक स्कूल को रखते हैं तो उसमें गवर्नमेंट की ओर से भी इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट या नंबर ऑफ टीचर्स को भी हम लोग वहाँ पर अच्छा से हम लोग सपोर्ट कर पाएंगे. और स्टूडेंट्स में भी एक स्कूल में संख्या ज़्यादा होने से आपस में एक कंपटीशन का एक माहौल भी बन जाता है. सो ऐसे करके अभी एजुकेशन का जो रोड मैप है इट्स वेरी चैलेंजिंग फॉर अस, लेकिन हम लोग इसको रोल आउट हम लोग ज़रूर करेंगे. और इसके अलावा बहुत सारा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस भी हम लोग ने खोला है. जैसे मिनिस्टर साहब ने जो कहा कि एकलव्य स्कूल, कस्तूरबा गांधी स्कूल, इसके बाद हम लोग ने जो पहला यूनिवर्सिटी अपना राज्य का अरुणाचल यूनिवर्सिटी को भी पासीघाट में इस साल से हम लोग सेशन स्टार्ट कर दिया है. बहुत सारा हायर एजुकेशन में कॉलेजेस हम लोग ने खोला है. तो इस प्रकार से क्वालिटी एजुकेशन में हम लोग काफ़ी फोकस कर रहा है. गवर्नमेंट क्षेत्र में टीचर्स लोगों के लिए सैलरी बढ़ाना हो या जो भी सपोर्ट देना हो वो टाइम टू टाइम गवर्नमेंट उसमें हम लोग काम करके सुविधा भी पूरा प्राप्त करके दे रहा है. तो अरुणाचल जैसे कहा कि जियोग्राफिकली इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट स्टेट, इट इज़ द बिगेस्ट स्टेट इन द नॉर्थ ईस्ट. सो एजुकेशन का शुरुआत भी हम लोगों का थोड़ा सा लेट से ही हुआ है. एंड आई थिंक शारदा मिशन और आरके मिशन, इसलिए मैं धन्यवाद देता हूँ कि आप खास करके सेंट्रल अरुणाचल एंड ईस्टर्न अरुणाचल यहाँ के जनता आप लोग काफ़ी ब्लेस्ड है. क्योंकि ये जो दो संस्था यहाँ पे आके शुरुआत से ही जो एजुकेशन में फोकस किया है, आरके मिशन आलो, आरके मिशन देवमाली और शारदा मिशन यहाँ पे कुंसा में, तो ये 3 जो प्रीमियर इंस्टीट्यूट के कारण से हमारा सेंट्रल अरुणाचल और ईस्टर्न अरुणाचल के लोगों को बहुत अच्छा एजुकेशन में सपोर्ट मिला है. अनफॉर्चुनेटली हमारा जो वेस्टर्न अरुणाचल में
अपना शारदा मिशन और रामकृष्ण मिशन वहाँ पे आना नहीं हुआ, तो मैंने अपना स्वामी जी का साथ में वेलोर मठ में अपना मिनिस्टर को भेज के स्वामी जी को भी इन्वाइट किया। तो हमने रिक्वेस्ट डाला कि हमारा वेस्टर्न अरुणाचल में भी इस तरह का एक संस्था होना बहुत ज़रूरी है। तो हमारा रिक्वेस्ट को मानते हुए नाउ वी हैव स्टार्टेड रामकृष्ण मिशन एट सेपा, वहाँ पे लमडुंग एक एरिया है, वहाँ में हम लोग ने स्टार्ट कर दिया। इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत सुंदर वहाँ पे बन रहा है, और साथ साथ जैसे हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर वांकी जी ने जो कहा कि शायद यहाँ पे 2008-09 में जो इंसिडेंट कुंसा में जो हुआ है उसको चलते हुए फिर दिरांग में हमारा स्वर्गीय पिताजी दोर्जी खंडू ने वहाँ पे शारदा मिशन दिरांग में स्थापित वहाँ किया। शारदा मिशन दिरांग में तो माता जी के साथ में मेरा आना जाना हमेशा होता है, बीच में जब भी मौका मिलता हूँ और स्कूल में भी हम विजिट करते हैं। तो अभी मैं थोड़े पहले जो हमारा वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में जो बात कर रहा था, और माता जी ने बताया कि आपके जितने भी जो आर्मी है कुछ कुछ लोग पढ़ाए ख़त्म होने के बाद वापस फिर अपना गांव में आके आप लोग योगदान दे रहा है ताकि अपना समाज को आगे लेके जाने के लिए। सो इसमें अभी जितने भी जो आर्मीज आप लोग आए हुए हैं, जो आप लोग गाँव में बैठ के गाँव का पंचायत सिस्टम को या गाँव का जो डेवलपमेंटल इश्यूज़ को आप लोग एड्रेस करने में रूट में बैठ के जो काम कर रहे हैं, मेरा आपसे ये निवेदन होगा कि अभी हमारा वुमेन एम्पावरमेंट के लिए सरकार की ओर से सेल्फ हेल्प ग्रुप का जो मिशन है उसको हम लोग बहुत एग्रेसिवली पूरे अक्रॉस स्टेट में हम लोग रोल आउट कर दिया है। प्रेजेंटली वी हैव अराउंड 85,000 वुमेन जो सेल्फ हेल्प ग्रुप और CLF PLF के नाम से अरुणाचल सरकार के साथ में जुड़ के ग्रासरूट लेवल में वो लोग अपना इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट के लिए काम कर रहा है। ये देश का प्रधानमंत्री का एक विजन है कि हमारा देश तभी डेवलप होगा जब नॉर्थ ईस्ट डेवलप होगा, और मेरा ये कहना है कि नॉर्थ ईस्ट भी तभी डेवलप होगा जब अरुणाचल डेवलप होगा, अरुणाचल तभी डेवलप होगा जब अपना गाँव डेवलप होगा, और गाँव तभी डेवलप होगा जब तक हमारा महिलाओं को सक्षम हम लोग नहीं बनाएंगे, क्योंकि गांव का डेवलपमेंट के लिए वुमेन्स दे प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। आज एक और कुछ खबर आप लोगों को देना चाहेगा कि अरुणाचल प्रदेश, जैसे मैंने कहा कि बहुत पोटेंशियल एक राज्य है, वी आर नोन फॉर आवर एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चरल प्रोडक्ट्स। सो कल ही एक MOU हुआ है दुबई बेस्ड कंपनी के साथ में, फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स अरुणाचल से ऑरेंजेस और वेजिटेबल्स यहाँ से एक्सपोर्ट किया जाएंगे मिडिल ईस्ट में। तो कल ही एग्रीमेंट हुआ है हमारा अरुणाचल प्रदेश मार्केटिंग एजेंसी के साथ में, तो मैं यहाँ पे डिप्टी कमिश्नर और एग्रीकल्चर ऑफिसर हॉर्टिकल्चर ऑफिसर आप सभी से निवेदन करेंगे कि आपके इस डिस्ट्रिक्ट में भी अगर कुछ प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करने लायक है तो हमारा एग्रीकल्चर बोर्ड के साथ में आप लोग टाई अप कीजिए ताकि यहाँ के फार्मर्स को और भी सपोर्ट मिल पाए। ये जो जो दो जो पिलर्स है वो हर एक सरकार का तो प्रायोरिटी ही होता है, और जैसे मैंने कहा कि नाउ वी हैव टू रोल आउट दिस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इन आवर स्टेट, और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में जो वहाँ पे मेंशन है कि स्कूल्स में आपका क्लास 8 इसके बाद या तो फिर क्लास 12 तो बीच का जो इंटरमीडिएट ये सेकेंडरी लेवल को फिर एबोलिश करना होगा। तो उसमें तो देखिए एक बार आगे कदम आगे बढ़ गया तो कदम को आगे बढ़ाते ही जाना है, पीछे मुड़ने का तो सवाल ही नहीं होता है। इस दौरान मैं यहाँ पे माता जी जो आए हुए हैं अपना श्री शारदा मिशन मठ से और अपना सेक्रेटरी माता जी है, आप सभी को मैं ये अनुरोध भी करेंगे और सरकार की ओर से आपको आश्वासन भी हम देंगे कि आपका इस स्कूल को अपना इस स्कूल को हायर सेकेंडरी में लेके जाने के लिए जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर जो गैप है और साथ साथ जो सबसे जो चैलेंजिंग जो बात है वो अपना वांकी साहब ने भी हमको बताया अभी कि हमें टीचर्स का सैलरी को लेके भी थोड़ा सा इश्यूज हो रहा है। तो आरके मिशन स्कूल और शारदा मिशन स्कूल, आरके मिशन आलो हो गया, आरके मिशन देवमाली हो गया, शारदा मिशन खोनसा एंड शारदा मिशन दिरा, तो ये चारों जो इंस्टीट्यूशंस के लिए NEP को रोल आउट करने के लिए सरकार की ओर से आप लोगों को जो सैलरी का जो गैप होता है
उसको भी हम ग्रांटिंग एक्ट के तौर पे आपको सपोर्ट करेंगे और साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर सारा हम गवर्नमेंट को बच्चे आपको हम सेंक्शन करके देंगे, क्योंकि इतना अभी आज हम लोग 50 साल हो गया है इस संस्था का। अभी आगे का जो जर्नी है, जब हम लोग प्लेटिनियम इसका सेलिब्रेशन करेंगे 75 ईयर्स का, और बाद में जाके जो 100 ईयर सेंटिनरी सेलिब्रेशन करेंगे, और वैसे भी अपना शारदा मिशन कौन सा जो है, आप लोग बच्चे को स्टेम जो अभी बताया गया कि साइंस टेक्नोलॉजी एंड एजुकेशन एंड मैथ्स, इस इंजीनियरिंग एंड मैथ्स स्टेम, उसको लेके आप लोग काफ़ी प्रमोशन बच्चे को बच्चे लोगों को दे रहा है बल्कि बताया, तो उसमें आई थिंक क्लास 11 और 12 का नहीं होने से फिर उतना ज़्यादा स्टूडेंट्स को भी एम्पावर कर नहीं पाएंगे। तो इसलिए मेरा ओर से भी निवेदन होगा एंड गवर्नमेंट की ओर से पूरा 101% एश्योर्ड है, जो आपका सैलरी गैप है उसको ग्रांटिंग एक के तौर पर ईयरली हम लोग दिया जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर भी पूरा हम लोग सपोर्ट करेंगे। तो अभी हमारे पास केवल सिर्फ 7 वर्ष ही है, 2023 अभी ख़त्म होने वाला है, सो 24 से लेके 2030 तक जो ये 6 सालों में कैसे NEP को रोल आउट करना है, तो उससे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर भी बन जाना चाहिए, टीचर्स का भी रिक्रूटमेंट और भी हो जाना चाहिए। बिफोर 2030 वी हैव टू रोल आउट द NEP इन शारदा मिशन कौन सा। तो इतना देते हुए आई थिंक क्योंकि हमको फिर वापस भी जाना है, तो आज जितने भी जो माता जी जो अलग अलग राज्य से जो आया है, अलग अलग अपना जो सेंटर से जो आए हुए हैं, और टीचर्स जो फॉर्मर टीचर्स भी यहाँ पे आए हुए हैं, आप सभी को दोबारा इस सुंदर प्रदेश में मैं स्वागत करता हूँ। और आप सभी लोग यू आर लाइक एन ब्रांड एम्बेसडर्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश। अभी अरुणाचल प्रदेश जो है काफ़ी आगे बढ़ रहा है, इसमें आप सभी का बहुत बड़ा योगदान है। आप सभी का जो योगदान को आज एक्नोलेज करते हुए, जितने भी हमारा जो सीनियर माता जी हैं, उस ज़माने में जो माता जी लोग इस संस्था में जो काम किया है, और साथ साथ यहाँ के जो लोकल चीफ्स और लोकल फॉर्मर लीडर्स, उन सभी को मैं एक बार फिर अपना राज्य सरकार के ओर से और अपना अरुणाचल प्रदेश का पूरा जनता की ओर से धन्यवाद देते हुए आप सभी को एक बार फिर इस गोल्डन जुबली के इस अवसर पर ढेर सारा शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय अरुणाचल। Oh,